हर महीने यही होता है, आयोग जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ से भर के हम लोगों को वापस इको गार्डन भेज दिया जाता है। इतना हम लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। 3 महीना हो गया है और सर इतना हम लोग मानसिक प्रताड़ित हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 साल में एक सरकार बन जाती है, लेकिन अब तो ये हो गया कि 5 साल में कई सरकारें बन जाती हैं, लेकिन 5 साल हमारी वैकेंसी को हो गया, इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत ही अथाह असहनीय तकलीफ होता है और इतनी तकलीफ होता है कि सर हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। सरकार ये चाहती है कि सब लोग एक तरीके से उसके उसमें चलें, दबाव में। ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को आज ऐसा दिन देखना पड़ेगा। ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए। बीजेपी सरकार ने बता दिया है कि अगर भारत में अगर रहना है तो आपको जो है धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और नेता बनना। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सतीज कांत। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूं और आप पीछे तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पे तमाम अभ्यर्थी हैं। ये सभी अभ्यर्थी हैं असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के। 2019 में नोटिफिकेशन आती है और 2023 तक के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाता है, लेकिन अभी तक के किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। UP SSC के थ्रू इसका नोटिफिकेशन आता है। सबसे बड़ी बात ये, जब सभी अभ्यर्थी पिकअप भवन जाते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं, तारीख पे तारीख मिलती रही लेकिन अभी तक के नौकरी नहीं। आज फिर सभी गए थे, वहां से ला करके एक बार फिर इको गार्डन फेंक दिया गया। सुनवाई के नाम पर कुछ भी नहीं। सभी पूछ रहे हैं योगी सरकार में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ देख रहे, जश्न मना रही है बिहार में एक बार फिर से सरकार बनने का, और अभ्यर्थी परेशान है। नौकरियों का क्या होगा साहब? भैया मेरा नाम आश्विन सिंह है, प्रयागराज से हूँ। भैया जैसा आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारी भर्ती के बारे में इतना कुछ जानते हैं, लेकिन ये मूर्ख दर्शक सरकार जो है हमारी वैकेंसी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहती है। और हम लोग भैया 22 मई 2022 के बाद परीक्षा देने के बाद इधर उधर भटक रहे हैं, प्रयागराज से लेके लखनऊ तक आते हैं और हर महीने यही होता है, आयोग जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वहाँ से भर के हम लोगों को वापस इको गार्डन भेज दिया जाता है। उसके बाद भैया इतना हम लोग त्रस्त हैं इस सरकार से। एक बात पूछे, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स हैं, मैं डॉक्टरेट हूँ। डॉक्टरेट है, देखिए डॉक्टरेट है, मतलब एक वो उपाधि जो पूरे देश में एक सर्वोच्च उपाधि मानी जाती है, उस उपाधि से ये सम्मानित है। सर जब इस तरीके घटनाएं होती, जब आप लोग अपनी आवाज बुलंद करने जाते, मन में क्या आते थे? पढ़े लिखे छात्र, आप लोग के अंडर में भी तमाम स्टूडेंट पढ़ रहे हूँ। बहुत ही तकलीफ होता है सर, बहुत ही अथाह असहनीय तकलीफ होता है और इतनी तकलीफ होता है कि सर हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। सर एक साल से लगातार हम लोग लखनऊ आयोग सचिवालय कार्मिक इसी में फंसे पड़े हैं और सरकार हम लोगों की वैकेंसी के बारे में एक शब्द ना बोलना चाहती है। माननीय दयाशंकर जी के पास, माननीय बृजेश पाठक जी के पास कम से कम 10 बार, माननीय उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्या जी हैं उनके पास कम से कम 5-7 बार, यहाँ से लेके इलाहाबाद कोई भी मिनिस्टर, मतलब अब आप जान लीजिए कि कैबिनेट स्तर का कोई भी ऐसा मिनिस्टर नहीं है जिसके हम लोग उनका दरवाजा खटखटाने का काम नहीं किया, लेकिन इस सरकार में कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई सुनना नहीं चाहता है हम लोगों की तकलीफ। अब आपसे क्या ही बोले, निःशब्द हूँ इस सरकार के बारे में। और आज हम लोग फिर आयोग गए थे और आयोग से पुलिस प्रशासन के लोग हम लोगों को जबरदस्ती कार में बैठाए, उसमें हमारे एक मित्र को चोट भी आ गया, उसको अभी हम लोग ट्रीटमेंट करवा के पट्टी उट्टी बदवा के जबरदस्ती बैठाए हैं गाड़ी में, उसके बाद लाके यहाँ हम लोगों को भूसे के तरीके भरे हैं गाड़ी में और लाके इको गार्डन में छोड़ दिए हैं। भैया ये हाल है हम लोगों का। आप क्या क्वालिफिकेशन? सर हमारा MA इकोनॉमिक्स पर स्नातक है और इकोनॉमिक्स। यस सर। जब इस तरीके घटना होती है तो दिल में क्या आता है? काफी उम्मीदें लेकर के आपने एग्जामिनेशन दिया, काफी प्रिपरेशन की, तमाम स्टूडेंट्स आपके अंदर भी पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको क्या सीख देते हैं? असिस्टेंट स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की ये पोस्ट एक तरीके से नासूर बन चुकी है। जी सर, जिस तरह से 2019 में विज्ञापन आया है और हम लोग लगातार 5 साल हो चुके हैं, अभी अंतिम परिणाम नहीं जारी किया गया, मात्र ये 896 पद हैं और टोटल से 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है इसमें जो DB के लिए क्वालिफाई किए हैं। वहीं लेखपाल का परिणाम इनको जारी करना होता है, 28,000 बच्चे हैं, 8,000 पद हैं, मात्र 15 दिन में जारी कर देते हैं। ये कुछ भी परिणाम शासन का दबाव आता है जारी कर देते हैं, कहते हैं आप हम जाते हैं कहते हैं कि शासन का दबाव नहीं आ रहा है। अब लगता क्या है, क्यों इस तरीके का हो रहा है आप लोग के? अब इसके तो मनसा तो हम नहीं पता चल रही क्या कारण इनका सर,
लेकिन वो एक ही बताते हैं कि शासन का दबाव नहीं आ रहा है, आपका मामला कार्य विभाग में भेजा दिया गया है, एक बहाना बता करके वो रोक देते हैं हम लोगों को। हाँ सर, 5 साल में सरकार बदल जाती है, एक बार फिर से चुनाव होता है, लेकिन इन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग नहीं होती है। अभी क्या कहेंगे, आज फिर से गए थे पिकअप भवन और ला करके यहाँ दोबारा से पटक। सरकार का पूरा ध्यान चुनाव पर है, वैकेंसी भेज नहीं है, ठीक है, और ये सौतेला व्यवहार करती हैं। बिहार की आप लोग मिसाल दे रहे थे कि बिहार में इस तरीके से वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश में नहीं, पिछले बार भी मैंने खबरें की, बिहार में पलटी मार के एक बार फिर से सरकार बन गई, खुशियां मनाई जा रही, ढोलक मंजीरे पिट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग इको गार्डन में बैठे हो। बिहार में भी वही हाल होने वाला है जो हमारा हो रहा है, बिहार में भी वही हाल होने वाला है जो हम लोगों का हो रहा है, क्योंकि ये सरकार की इच्छा ही नहीं है भर्ती करने की, इच्छा शक्ति का अभाव है, इसलिए जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। क्या क्वालिफिकेशन सर आपकी? ये मैं एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट और यहाँ पे धरने पर बैठे? हाँ, मैं एमकॉम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और यहाँ पर जो है 2 महीने से हम। जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उस समय क्या सोचा था कि धरने पर बैठना पड़ेगा एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद? ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को आज ऐसा दिन देखना पड़ेगा, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए। समझ में आ गया कि सरकार कैसे चलती है और कैसे क्या करती है अभ्यर्थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने बता दिया है कि अगर भारत में अगर रहना है तो आपको जो है धरना देना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और नेता बनना पड़ेगा, आपको अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है, नेता बना देते हैं लोग। सर हमारी भर्ती 2019 में आई थी, 5 साल हो गया अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया, 2-3 साल लगा दिए लोग, पहली बात तो एग्जाम कराने में, फिर 1 साल लगा दिए हम लोगों को डीबी के रिजल्ट देने में, अब 1 साल होने को आया है हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमारा रिजल्ट दे, हमारा उनसे कोई बैर नहीं है, हम भी उनकी सरकार को बनाने में हम लोगों का भी योगदान रहा है, हम भी उनको वोट दिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग विपक्षी पार्टी से यहाँ आके बैठे हैं, क्योंकि सभी लोग वोट देते हैं तभी कोई पूर्ण बहुमत से आता है। अभी क्या करेंगे, अभी आपकी सांख्यिकी क्या बता रही है, जो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, 24 में दोबारा आ रहे हैं या आपकी जा रहे हैं? देखिए सर, मेरे हिसाब से 24 में आ रहे हैं, उसमें डाउट कोई नहीं है, बस हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी, मुख्यमंत्री जी से विशेष कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन्हीं की बात यहाँ के अध्यक्ष जी और सचिव जी सुनते हैं। चुनाव से पहले रिजल्ट चाह रहे हैं या फिर एक बार फिर से सरकार बन जाए तब चाह रहे हैं? अगर सीएम साहब चाह लें तो हम लोगों का रिजल्ट 1 हफ्ते में आयोग दे सकता है। सीएम साहब ही नहीं चाह रहे, वही नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के चाहने से लेखपाल में 2.5 लाख लड़कों का ये 1 महीने में काम कर दिए, हमारे यहाँ तो 2200 लड़के हैं, अगर सीएम साहब चाह लें तो 1 हफ्ते में हम लोगों का रिजल्ट आ जाए। नाराजगी है आप लोग के अंदर? सर मैं रितेश मौर्य, कब से यहाँ बैठे हुए प्रदर्शन? 3 महीना हो गया है और सर इतना हम लोग मानसिक प्रताड़ित हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि 5 साल में एक सरकार बन जाती है, लेकिन अब तो ये हो गया कि 5 साल में कई सरकारें बन जाती हैं, लेकिन 5 साल हमारी वैकेंसी को हो गया, इस पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है। इससे पहले जैसे भाई ने बताया कि मतलब लेखपाल की 1 साल में पूर्ण करवा दिया गया है वैकेंसी, जैसे 2022 में है, 2023 में इसको कंप्लीट कर दिया गया, हम लोगों साथ दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, 5 साल होने के हो रहे हैं, अभी सचिव जी ने कहा था कि आप लोग रिजल्ट में कुछ समस्याएं हैं, आप लोग जाएंगे आयोग से मिल लीजिए, हम लोग आयोग प्रयागराज गए, वहां से बात की है, तो आयोग में हम लोगों को ये बताया गया आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, यहाँ ऐसा कोई समस्या नहीं, अगर सचिव जी आप ले चाह लें, आपका प्रत्यक्ष नहीं है, ये सचिव का मैटर है, सचिव हमसे कहे हम तुरंत कार्रवाई हो जाए, लेटर कई प्रकार के भेजे जाते हैं, त्वरित तत्कालिक जो भी होते हैं उसके अपने शेड्यूल होते हैं, उस हिसाब से भेजेंगे तुरंत काम हो जाएगा, अब आप लोग जो आ रहे हो आपको लोग मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मतलब आश्वासन देके भेज दिया जा रहा है। जो आज जब आप लोग गए तो आज क्या हुआ वहाँ? सर वही बस तारीख 15 तारीख उनका फेमस है, वो 15 तारीख को आइए, चाहे वो अक्टूबर हो, चाहे जून हो, चाहे जुलाई हो, और चाहे आज जनवरी हो, अब 15 फरवरी के लिए बताएं कि देखें, वो भी ये नहीं कहें कि अब दे देंगे, देखेंगे, तो सर हम लोग बस आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ आश्वासन कब तक देंगे, हम लोग समस्याओं को समझें, इतनी ठंडी में लोग परेशान रहे हैं, दीपावली यहीं मनाए हैं, ठंडी पूरी यहीं कटी है, तो हम सचिव से निवेदन करते हैं कि हम लोग ज़्यादा परेशान ना किया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि हम लोगों की पीड़ा को समझा जाए, ठंडी हो गई है, आप लोग सरकार पर सरकार बनाते जा रहे हैं, हम लोग पीड़ा भी समझिए, हम लोग आपके बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते आप हमारे गार्जियन हैं, अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा। अब लेखपाल अभी सिपाही की वैकेंसी आई, उसमें लड़के जनसंख्या उनकी ज़्यादा थी, 3 दिन में उनको संज्ञान में लिए और उनका एज तुरंत बढ़ा दिया, हम लोग इतने दिन से इको गार्डन बैठे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब इतना आंख और कान बंद करके नहीं बैठा जाता है। एक चीज और, कुछ वीडियोज भी वायरल हुई, यहाँ से तमाम लोगों को इसराइल भेजा जा रहा है नौकरी के लिए, और आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, योग्य हैं, यहाँ पे पीएचडी तक के लोग हैं, डॉक्टरेट तक के लोग हैं, मास्टर्स तक के लोग हैं,
नौकरी क्यों नहीं मिलती? आप लोग सांख्यिकी के छात्र हैं, तमाम आर्टिकल्स पढ़ते होंगे, तमाम डेटा आपके पास होता होगा, वजह क्या रहती, मन में क्या आता है इसको लेकर? सर मन में यही आता है कि सरकार जो चाहती है कि सब लोग एक तरीके से उसके उसमें चलें दबाव में, और वो दबाव किस तरह बनेगा जब हम लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये समझ में नहीं आता है कि हम करें तो करें क्या। यहाँ पे जितने अभ्यर्थी बैठते हैं प्रदर्शन पे, वो एक दबाव फील कर रहे हैं? दबाव है सर, दबाव रहता है बिल्कुल, घर का दबाव हो गया, समाज का दबाव। मैं कहना चाहता हूँ अब लोग कहते हैं धरना खत्म करें, अब सर आप बताइए हम धरना किस बेस पे खत्म करें? घर वालों ने हमें निकाल दिया घर से, और हम अगर यहाँ से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? कहाँ से आए हैं? इटावा से। इटावा से यहाँ पर? हाँ, 3 महीने से। 3 महीने से कुछ खाए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं सर, कुछ नहीं, सुबह से लगे हुए हैं, कुछ नहीं खाया सर। वहाँ मारपीट भी हो गई सब कुछ, पैसा कोई देता नहीं, कुछ है ही नहीं सोर्स सर, क्या लेके जाए मुंह? अखबार में अमर उजाला में भी इन्होंने निकाल दिया, अमर उजाला अभी निकाला था कि एएसओ का परिणाम हम जनवरी माह में देंगे, और जेई का जनवरी खत्म होने को, जनवरी खत्म होने को, फरवरी स्टार्ट होने को, कुछ पता ही नहीं चल रहा सर। हैं, पहले हिंदुस्तान में निकाल दिया और हम घर पे भी नहीं जा सकते सर। क्वालिफिकेशन है आप? एमए इकोनॉमिक्स ओ लेवल। एमए इकोनॉमिक्स ओ लेवल, ये सभी योग्य अभ्यर्थी हैं जिनकी बात लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो सेंट्रल में सरकार है, वो बात करती है। मास्टर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उसके अलावा यहाँ पर सभी डॉक्टरेट हैं, बैनर लेकर के हाथ में खड़े हुए, ये तस्वीरें देख रहे हैं, एएसओ का ये बैनर है, उसमें तमाम सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें निकला हुआ है कि जॉब इन लोग को कब तक मिल जाए, कब तक इन लोग को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जनवरी भी खत्म होने को है, लगातार आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख, लेकिन अभी तक के ज्वाइनिंग किसी को भी नहीं मिली है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह हो रही कि 5 साल में एक बार चुनाव हो जाता है, एक बार फिर से सरकार आ जाती है, लेकिन 5 साल बीतने को हैं, इन सभी को अभी तक के ज्वाइनिंग तक नहीं मिली। सभी में नाराजगी है, सभी में निराशा है, सभी पूछ रहे हैं हमें नौकरी कब तक मिलेगी। असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जिसकी नोटिफिकेशन 2019 में आई थी, उसकी ज्वाइनिंग कब होगी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ करती है सरकार। तब तक जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।